आज मैं बनाने वाला हूं 1 किलो मैदे की वाइट ब्रेड, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट थे कि शेफ आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हो तो हमें समझ नहीं आता है, घर में हम इतना ज्यादा नहीं बना सकते। तो आज 1 किलो मैदे से बनाऊंगा ताकि आप आसानी से अपने घर में बना सके। ये जो आप देख रहे हैं, मैं धक्का मार रहा था, तो ये है मैदे की ट्रॉली, देख रहे हैं आप, ऐसे भर के मैदा होता है हमारे पास। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये छलनी लेना है, छलनी को रखना है इसके ट्रे के ऊपर। मैंने ट्रे रखी है, ट्रे के ऊपर पेपर रखा है, पेपर के ऊपर छलनी, और इसको कर देना है जीरो। फिर आपने 1 किलो मैदा वजन कर लेना है। मैदा वजन करने के बाद आपने छान लेना है। मैदा छानना जरूरी है ताकि कभी कभी क्या होता है, मैदे में कुछ ना कुछ कचरा हो जाता है, तो वो आपके ब्रेड में ना आए। मैं मशीन में गूंदने वाला हूं, हाथ से भी गूंद सकता हूं, लेकिन मशीन है, इसमें 1 किलो मैदा आराम से गूंद जाता है, इसलिए गूंद रहा हूं। आप हाथ से भी आराम से गूंद सकते हो, क्योंकि मैंने तो ना 50-50 किलो मैदा हाथ से गूंदा हुआ है। तो आपने पहले मशीन को फिट कर देना है और ऊपर भी कर लेना, और मैदा डाल देना है आपने ऐसे मशीन के अंदर, ये देखिए इस तरीके से। मैदा मशीन में डालने के बाद आपने एक बॉल लेना है और इसमें आपने डालना है सबसे पहले चीनी 40 ग्राम, इसको जीरो करना है। नमक 15 ग्राम, आप 20 ग्राम भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 15 ग्राम सही है। ब्रेड इम्प्रूवर, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो आपने डालना है 8 ग्राम डाल दें, टेंशन नहीं है। ईस्ट, ये फ्रेश ईस्ट है, तो आपने ये डालना कितना है, आप 40 ग्राम डाल दें, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया ब्रेड आपकी बनेगी। और एक चीज मैं डालता हूं, और आपका सवाल होता है ये कैल्शियम, तो ये पाउडर होता है, आसानी से मार्केट में मिलता है, ये ब्रेड की लाइफ को बढ़ाता है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो ना डालें तो भी कोई बात नहीं है, आपने सिर्फ 2 ग्राम डालना है 1 किलो में, उसके बाद ये सारी चीजें आपने डाल देना है मैदे के अंदर, ये देखिए ऐसे आपने डाल देना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है दूध, कम से कम 300 ग्राम, और मशीन कर देना है चालू, अच्छे से इसको गूंदना है, और दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध ना डालें, इस चीज का रखना है ध्यान। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी भी डाला है, अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो आप प्योर दूध में भी मैदा गूंद सकते हैं, अगर आप कहीं होटल में बेकरी में बना रहे हैं तो आप थोड़ा पानी भी डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए मैदा कितना अच्छा हो गया, देख रहे हैं ना, जब आपका मैदा ऐसा हो जाएगा तब आपने क्या करना है, इसमें आपने डालना है ऑयल 80 ग्राम, मैंने वजन करके लिया है, तो आप भी वजन करके डालें और आराम से मशीन को घूमने दें। अब मैदा गूंद चुका है और बहुत ही बढ़िया गूंदा है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि ठंडा पानी या ठंडा दूध क्यों डालना है, वो इसलिए डालना है क्योंकि मैदा बहुत देर घूमता है मशीन में तो गर्म हो जाता है, गर्म होने से क्या होता है, जो ब्रेड में चमक आना चाहिए ना वो चमक नहीं आती है, इसके लिए आपने ठंडा दूध डालना है। ये देखिए कितना प्यारा मैदा हुआ है, ये देखिए बहुत ही मस्त हो गया है। ये मस्त क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्यों बोला है, ये भी आपको बताता हूं। मैदा छिड़क के डालें और ये मस्त इसलिए है, ये देखिए, देखे ना, चिपक नहीं रहा है हाथ में, मतलब हाथ में ना चिपके, देखिए इसका मतलब है आपका मैदा बहुत ही प्यारा गूंद चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में काट लेना है बराबर बराबर, और वजन कर लेना है कितना वजन है, ये देखिए इसका वजन है 766, और ये 770, मतलब ये 4 ग्राम ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने ब्रेड मोल्ड में 750 ग्राम डालता हूं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ये सब डाल दूंगा। अब इसको पेचना कैसे है आपको दिखाता हूं। ब्रेड पेचने से पहले आपके पास ऐसे मोल्ड तैयार होना चाहिए तेल लगा के, देखिए इस तरीके से आपने इसमें ऑयल लगा लेना है चारों तरफ, ताकि आपकी ब्रेड चिपके ना,
तो ये तैयार करके फिर आपने बेचना है ब्रेड। ये देखिए इस तरीके से मक्खन की तरह मैदा हुआ है, मक्खन जिसको मक्खन बोलते हैं ना, मतलब ब्रेड बनाने में मजा ही आ जाएगा। कलर देखिए कितना प्यारा हुआ है, जब ये ब्रेड मैं काटूंगा ना एकदम सफेद कलर होगा अंदर। ये देखिए ऐसे आपने पेचे और ऐसे उठाना है और ये गई मोल्ड के अंदर। ये देखिए ब्रेड पेच के आपने करना क्या है, अगर आप घर में बना रहे हैं तो ब्रेड मोल्ड में डालने के बाद आपने ओवन के ऊपर रख देना है, ओवन चालू करके, ताकि जब तक ओवन में टेम्परेचर आएगा तब तक आपकी ब्रेड भी फूल जाएगी। अगर आप होटल में बना रहे हैं, बेकरी में बना रहे हैं, तो आपके पास ब्रेड इम्प्रूवर होगा तो आप इसमें डाल दें। इसको चालू करना पड़ता है और मैंने कितनी देर इसके अंदर रखी ये आपको बताऊंगा कब निकालने के टाइम, अभी मैं रख देता हूं। रखने से पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से हाथ में तेल लगा के इसको दबा देना है, दबाना जरूरी है, फिर ढक्कन लगा के रखना है आपने इस तरीके से। ब्रेड बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुकी है, आपको दिखाने वाला हूं कि आपने कितनी उठाना है। उससे पहले आपको बता दूं आपने ओवन चालू कर लेना है और ओवन का टेम्परेचर आपने 200 डिग्री रखना है। पकाना कितनी देर है वो बाद में बताऊंगा, पहले ब्रेड दिखा देता हूं कैसी उठी है। ये देखिए मोल्ड से इतना नीचे रखना है आपने, देखना ना, तभी आपकी ब्रेड बनेगी परफेक्ट। और आपने डाल देना है ओवन के अंदर। ये दरवाजा बंद और यहां टाइमर जरूर लगाना है आपने। ये देखिए मैं लगा दूंगा 35 मिनट और स्टार्ट कर देना आपने और अपना दूसरा काम करें आराम से। 35 मिनट हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि अलार्म बज गया। तो अब आपने क्या करना है, 35 मिनट के बाद ब्रेड को निकाल लेना है। पूरे 35 मिनट में ब्रेड पक गई है, बहुत ही अच्छी, आपको दिखाता हूं कितना बढ़िया कलर आया। ये देखिए मस्त कलर है ना, अब देखना ये देखिए कितनी बेहतरीन लाजवाब ब्रेड हुई है। कलर देखे ना आप, कितना मस्त ब्राउन गोल्डन कलर आया। देखे ऐसा ही कलर आना चाहिए आपकी ब्रेड में भी। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।